आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, हिंदुस्तान पांच बार टेस्ट मैच हार गया है। आज की ताजा खबर, भाई साहब अपने पेपर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, हिंदुस्तान पांचवा टेस्ट मैच हार गया है। आज की ताजा खबर, भाई साहब आपके लिए पेपर। अबे फोट इधर से देखो, भास्कर दादा का नाम सुना है, हफ्ता देता है नहीं तो चल हवा अंदर। काय को नाराज है भाई, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, एक वक्त का खाना खा लूं फिर चला जाऊंगा। कल से खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया तो उधर जाके भीख मांग, चल। धक्का काय को मारता है भाई? अबे धक्के के बच्चे मार खा ले। अंधे मुझे मत मारो भाई, मेहनत करके रोटी कमाना तो पाप नहीं है। हम तुम्हें मारने नहीं आए भाई, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बोलो काम करोगे? मैं कुछ भी करूंगा। तो चलो, काम भी मिलेगा और खाना भी, आओ हमारे साथ। बापू नहीं, मेरा भाई एक मेरा सहारा है, मैं तुम्हें सारी दौलत दे देती हूँ। नहीं, मैंने दिन रात मेहनत करके ये गहने तुम्हारी शादी के लिए बनवाए, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन ये गहने नहीं दूंगा। मेरा गहना तो तू है भैया, ये तो फिर भी बन जाएंगे, लेकिन मैं अपने भैया कहाँ से लाऊंगी? वो तो भगवान की तरह एक ही है, तुझे गहने चाहिए ना। ये सब गहने ले ले, और अगर खून का प्यासा है तो मुझे मार डाल। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल है। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे गुनाहों के धब्बों को धो दिया, इस जिंदगी से अब मैं तौबा कर लूंगा। ये कैसा शोर है? कौन? डाकू चंदन सिंह। गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, आपको शायद धोखा हुआ है, ये तो मेरा भाई है। नहीं बहन, हर इंसान को अपने गुनाहों की कीमत देनी पड़ती है, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। खैर भैया, आज राखी का दिन है, मुझे राखी तो बांधने दो। आज से तुम्हारा एक नहीं, दो भाई हैं बहन। जेल से रहा होते ही मैं आऊंगा। चलो चलो। भाइयों और लेडीज, हमें खुशी है कि आपने हमारे मुजरिम सुधार सभा का नाटक देखा और पसंद किया। पसंद किया। हमारी सभा का मोटो है कि अगर बुरे से बुरे आदमी को भी मौका दिया जाए तो वो सुधर सकता है। आशा देवी, आज के शो का तमाम रुपए इसमें है। जी शुक्रिया। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you.
कैसे इधर लाओ? जरा भी शोर मचाए आज तो। भगवान के लिए ये चाकू रख दो। रुपया लाओ इधर। मुझे इस चाकू से डर लग रहा है, ये चाकू मुझे दे दो और ये रुपये ले लो। ठीक है। बड़ी चलाक है। अब तुम कच्चे चोर हो, वरना चाकू कभी न देते हैं और रुपया लेने के बाद कभी न देते। कौन हो तुम? मैं एक पढ़ा लिखा बेकार, दो दिनों का भूखा हूँ। वो तो मैंने देखा, कोई काम क्यों नहीं करते? किसी के लालच देने पे यहाँ काम करने ही तो आया था, आपने करने ही नहीं दिया। तुम जो रुपया चोरी करने आए हो, ये तुम जैसे लोगों के ही काम आने के लिए है। क्या मतलब? हमारी सभा ऐसे नौजवानों की मदद करती है जो गरीबी और बेकारी की वजह से गुनाह के रास्ते पे कदम रखते हैं। मैं तुम्हें काम दूंगी। आप मुझे काम देंगी? कौन सा काम? हमारी सभा का वर्कशॉप है, दफ्तर है, ड्रामा ग्रुप है। हाँ, मैं ड्रामा में काम कर सकता हूँ, इससे पहले मैंने कई बार काम किया। अच्छा, अब आराम से खाओ, पहले खाओ फिर कलाम। जी, यानी पहले खाना फिर बातें। गुड आइडिया, गुड आइडिया। दरवाजा खोलो। मैं? हाँ। गिरफ्तार कर लीजिए। ले कौन था? अरे ये तो हमारे ड्रामा डायरेक्टर हैं मिस्टर पोपटलाल, और इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक है। चलेगा, हम अक्सर मुजरिमों को जाना करते हैं और तुम अच्छे चाकू बाज मालूम होते हो। वेरी गुड। मिस्टर डायरेक्टर, मुझको एक्टिंग सिखाओ ना। अजी गुडी गुडी गुडी, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ो। Oh yes, I want this only, you see, मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ। चलो सभा के दफ्तर में तुम्हारे रहने का इंतजाम करो। कमाल, जब मैं ये बैग लेने आया था आपने मुझे दिया नहीं, अब आप कभी नहीं दे रहे। फर्ज करो मैं ये पैसे लेकर भाग गया तो? तुम नहीं भाग सकते, हम हजारों लोगों के सामने नाटक करते हैं, इंसान को खुद पहचानते हैं। चलो। Hey. ये लोग कौन है? ये लोग यही तो है जिन्होंने मुझे अंदर भेजा था। अच्छा, लगता है साला पलट गया है। ईमान, चल भाग। चल। हाँ, तो सीन यू है कि तुम एक चोर, चोर कच्चा चोर, पक्का चोर, एकदम पक्का चोर। अंडरस्टैंड? पक्का। नाउ, तुमने दो दिन से बिल्कुल कुछ नहीं खाया। ये नहीं हो सकता, मैंने तो अभी खाना खाया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, यू हैव टू एक्ट ऑन यू फील कि तुमने कुछ नहीं खाया है। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ, भूख ने तुम्हारे बदन में आग लगानी शुरू कर दी है और आग बढ़ते 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 तुम्हारे खोपड़े में पहुंच गई, तुम्हारी फ्रिज फिर गई और तुम दीवाने हो गए हो। मैं ठीक हूँ। प्लीज यू थिंक कि आप दीवाने हो गए, यू हैव टू एक्ट ओनली, यू आर एन एक्टर, दैट्स ऑल। क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आपने कहा कि मैं चोर हूँ, कभी एक्टर कभी चोर, कभी चोर एक्टर, एक्टर चोर, दिस इज नॉट ड्रामा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, दैट्स ऑल। अंडरस्टैंड? ओके ओके। नाउ नाउ तुम सड़कों पे इधर उधर इधर उधर इधर इधर दौड़ रहे, उधर दौड़ रहे, इधर दौड़ रहे, एकदम से अचानक तुमने एक जमानत की दुकान देखी। प्लीज कीप क्वाइट, डोंट डिस्टर्ब मी। नॉनसेंस। नाउ नाउ, तुमने जवाहरात की दुकान देखी, तुमने धार से शीशा तोड़ा और हार चुरा कर तुम खड़े हो गए। यस, दिस इज द थिंग आई वांट। नाउ कम दिस साइड, हार चुरा कर तुम खड़े हो गए, पुलिस की सीटी बजी, तुमने पुलिस को देखा, पुलिस ने तुमको देखा और तुम भागे, पुलिस तुम्हारे पीछे, तुम उसके आगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। आगे पीछे कौन है? नेचुरली तुम आगे, पुलिस पीछे, पुलिस आगे, तुम पीछे। प्लीज लिसन टू मी, कीप क्वाइट नाउ। ना, तुम भाग रहे हो, तुम भाग रहे हो, 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 भाग रहे हो। अचानक तुम एक जगह आकर रुके और अपनी महबूबा के बेडरूम के अंदर जाकर घुस गए और तुम्हारी महबूबा ने तुमको किस तरह से बचाया, दिस इज दी सीन। अंडरस्टैंड? नाउ गो देयर एंड शो मी, प्लीज प्लीज। यस।
मीना, मीना मेरी जान बचाओ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मेरी जान बचाओ। माफ कीजिए, यहाँ कोई चोर तो नहीं आया? चोर? यहाँ कोई चोर नहीं आया, लेकिन आपको मेरे बेडरूम में आने की इजाजत किसने दी? ओह, आई एम सॉरी। एक लड़की ने तुम्हारी जान बचाई, पुलिस ने बचाया, तुम उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते? Can't you say thank you very much? अरे मिस्टर पोपटलाल, आप नाराज मत होइए, ये बेचारा नया है, एक दो रिहर्सल करेगा तो खुद ही समझ जाएगा। I don't mind 1000 rehearsals, but do it again, फिर से करो, फिर नहीं, से करो। मैं फिर से नहीं करूँगा। सी, मुझे शर्म आती है, मैं कमल में नहीं घुसूंगा। अगर तुम कंबल में नहीं घुसोगे तो दुनिया तुमको जंगल में फेंक देगी, तुम भूखे मर जाओगे। भाभी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है मेरे लाल, फिर से करो, डू इट अगेन प्लीज प्लीज। भैया आज हमारा ट्रूप बहादुर पर अपना प्रोग्राम पेश करने जा रहा है, एक हफ्ता लगेगा। मुझे कई बार तुम्हारे इन प्रोग्रामों पर बड़ी हंसी आती है। क्यों? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुजरिम सिर्फ कानून के डंडे से सुधारे जाते हैं। भैया ये आपकी जात की राय है, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हारी अपनी राय है और मेरी अपनी। प्यार का जादू सचमुच सर चढ़ के बोलता है सुशीला, तुम्हारे प्यार में मैंने गुनाहों की दुनिया से तौबा कर ली। और ये दुनिया वाले प्यार को ही गुनाह समझते हैं। लेकिन तुम तो नहीं समझती ना? मैं तो प्यार को पूजा समझती हूँ। आगे बढ़ो और आगे बढ़कर प्यार के फूलों से अपना दामन भर लो, मुझे अपने सीने से लगा लो। प्यार के सेल में तुमने मुझे गले क्यों नहीं लगाया? जी गले क्यों नहीं लगाया? मुझे शर्म आ गई। शर्म? अरे बाबा वो स्टेज है। हाँ, इस स्टेज पर शर्माओगे तो भूखे मर जाओगे, तुम्हारी जगह किसी और को हीरो बना दूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा, तो फिर लगे रहो। सुना तुमने, अब तुम ही शर्माओगे ना? जी अब क्या शर्माऊंगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलेगा? मेरा दिल डरता है प्रेम, तुम फिर रूठ के चले गए तो? अपनी जिंदगी से भी कोई रूठ के जाता है पगली, तुम तो मेरे दिल की धड़कनों में बस रही हो। आओ मेरे पास आओ, मेरे दिल की आवाज सुनो, हर सांस में तुम्हारे ही नाम की आवाज सुनाई देगी। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। दिल की आवाज सिर्फ दिल ही सुन सकता है, मेरे करीब आओ और करीब। ऐसे नहीं, ऐसे। शाम तुमने मुझे कितने जोर से दबाया, तुम तो मुझे मार डालोगे। कमाल, जब मैं धीरे से गले लगाता हूँ तो कहती हो जोर से लगा, और जब मैं जोर से लगाता हूँ कहती हो मार डालोगे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या। जो भी करो प्यार से करो। मुझे भी ऐसा लगता है, स्टेज हो या स्टेज के बाहर, जी चाहता है हर वक्त तुमसे प्यार करता है। अच्छा? तेरा दिल पर काबू रखो, बदनामी हो जाएगी। वो जाने दो, ले चले।
भी गरीबों से प्यार कर ले जा तेरा भला हो, कभी गरीबों से प्यार कर ले जा तेरा भला हो, अभी सदा इंतजार कर ले जा तेरा भला हो, कभी गरीबों से प्यार कर ले जा तेरा भला हो, नजर फकीरों से चार कर ले जा तेरा भला हो, नजर फकीरों से चार कर ले जा तेरा भला हो, अभी तेरा इंतजार कर ले जा तेरा भला हो, हमारे दर पर पुकार कर ले जा तेरा भला हो, कभी गरीबों से प्यार कर ले जा तेरा भला हो। पहला दीदार जैसे सावन का ख्वाब, तेरा पहला दीदार जैसे सावन का ख्वाब, तेरे रंगी ये होंठ जैसे घायल शबाब, तेरे नैना बेचैन जैसे प्यासी शराब, तेरे गीले हैं गाल जैसे जैसे भीगा गुलाब, मेरी खिजा को बहार कर ले जा तेरा भला हो, मेरी खिजा को बहार कर ले जा तेरा भला हो, कभी गरीबों से प्यार कर ले जा तेरा भला हो, नजर फकीरों से चार कर ले जा तेरा भला हो, नजर फकीरों से चार कर ले जा तेरा भला हो। आशिक हैं हम कर्ण हम पे सितम, तेरे आशिक हैं हम कर्ण हम पे सितम, प्यार आसान नहीं बड़ा मुश्किल सनम, ना मिटेगी वफा चाहे मिट जाए हम, जाए वो पार कर ले जा तेरा भला हो, जो डूब जाए
गरीबों से प्यार कर ले, हमारे घर पर पुकार कर ले, नजर फकीरों से चार कर ले, जा तेरा भला हो, जा तेरा भला हो, जा तेरा भला हो। आप लोगों ने तो कमाल ही कर दी। अजीज साहब इस कंपनी का प्रोफेसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, फाइटर, यानी कि जितनी करे हैं वो सब मुझ में लगी हुई है। हाँ, ये हार आप मेरे गले में डालिए, चलेगा। पहले आप ये बताइए कि आपके हीरो और हीरोइन कहाँ है? उससे की तुम वही टेढ़ी की टेढ़ी, फिर वही हीरो और हीरोइन, वो आ रहे हैं साहब। जी नहीं, आप लोग देश के रक्षक हैं, ये इज्जत आपका हक है। आप हमारी ही तारीफ किए जा रहे हैं, आप लोग भी कुछ कम नहीं। आप लोग देश की रक्षा करते हैं और हम देशवासियों का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन ही नहीं, आपकी मुजरिम सुधार सभा मुजरिमों की मदद भी तो करती है और उनकी मदद के लिए ही आप रुपया जमा करते हैं। जी हाँ। तो लाइए रुपया। जी हम डाकू हैं, नीली घाटी वाले सरदार सुल्तान सिंह के साथी। अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो याद रखो गोली से उड़ा दिया जाएगा। हमारे सरदार सुल्तान सिंह ने तुम सब लोगों को दावत दी है, चलो। शर्म नहीं आती इस फौजी लिबास को बदनाम करते हुए? अगर हिम्मत होती तो मर्दों की तरह सीधी तरह से आते। आज की दुनिया में सीधी तरह से माल कौन देता है, चलो। बिल्कुल ऐसी ही सूरत थी। हाँ श्याम भैया, बिल्कुल ऐसा ही था। हूबहू यही सूरत, लंबा कद, चौड़ा सीना और यही भरपूर जवानी। क्यों आशा जी, क्या पक रहे हो? आप क्या जाने साहब, हमारे ग्रुप में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, बिल्कुल आप जैसा। आशा जी ने उसे दिल दिया मगर उसका वक्त ने दगा किया। आज आपको देख के आशा जी के दिल में कुछ कुछ होने लगा है, क्यों है ना आशा जी? क्यों जख्म हरी कर रही हो गुड्डी, मर्द की जाति कुछ ऐसी है, इन्हें भी क्यों रहम आने लगा किसी गरीब पर? लोग यहीं ठहरो, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो भाई? सरदार, मैं उन नागर मंदिर वालों को पकड़ लाया हूँ। शाबाश मक्खन सिंह। ये नहीं चलेगा। डर तो है, कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर प्रेम कपूर, यानी के टेरर ऑफ बॉम्बे की बहन है। जानते हैं और हम ये भी जानते हैं, इस नाटक मंडली ने लाखों रुपए जमा किए हैं। मकान, इनकी सभा को चिट्ठी लिख दो, 2 लाख रुपए लेकर काले कुएं के पास आ जाएं। जी, फिर हम इन सब लोगों को रिहा कर देंगे। और अगर किसी ने पुलिस को खबर की सबको गोलियों का निशाना बना दिया जाएगा।
भाई साहब हमारी मदद कीजिए। कौन है आप? मैं सब बताता हूँ। अच्छा कमिंग। थैंक यू। नीली घाटी की तरफ कर दो वरना बम गिराकर हम तुम्हारे अड्डे को खत्म कर देंगे। पुलिस और बम लेकर आ रही है। सावधान सुल्तान सिंह सावधान। तुमने तो कमाल कर दिया। हम तो घबराए गए थे बेटे। सब आ गए? आशा तो ठीक है ना? आशा क्या? वो तो वहीं रह गए डाकू के अड्डे पर और आप लोग उसे वहां छोड़कर चले आए। वाह, कुछ आप मर्द हैं और कुछ आपका वो पोपटलाल। शाम शाम बेटे। Ha 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 ha!
कहां भागते हो? चलो वापस। सिंह इन घाटियों का राजा है, ना मेरी मर्जी के खिलाफ यहां कोई आ सकता है और ना यहां से कोई जा सकता है। सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह, मुझे तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे पास भेजा है। मेरे गुरु ठाकुर दुर्गा सिंह? ठाकुर दुर्गा सिंह, उसने देश के कुछ अच्छे लीडरों की बात मानकर इस डकैती की जिंदगी को हमेशा के लिए त्याग दिया है और उसने प्रतिज्ञा की है कि अब वो इस देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा और यही संदेश देकर उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जय गुरुदेव। सुल्तान सिंह सुनना तो आते ही नहीं है, छोड़ दो इनको। जय गुरुदेव। ठाकुर दुर्गा सिंह की जय। ठाकुर दुर्गा सिंह की जय। जाओ, तुम आजाद हो। चलेगा चलेगा। क्या देख रही हो? मेरी किस्मत? अपनी किस्मत। तुम्हारी किस्मत और मेरे हाथों में? क्यों नहीं, मेरी ही खातिर तो इन हाथों में कभी मजनू का प्याला आया और कभी डाकुओं की बंदूक। अजी आप सलामत रहे, न जाने अब इन हाथों में क्या क्या आएगा। बंदूक के बाद में मशीन गन, मशीन गन के बाद में तोप, तोप के बाद में बम, बम तो। अब इन हाथों में सिर्फ एक ही चीज आएगी, मेरा हाथ, और वो भी हमेशा के लिए। जी ना बाबा ना, मैं इस चक्कर में नहीं आने वाला। तुम हो लड़की की जात, जो होती है बड़ी होशियार। शादी से पहले तो कहती है, डार्लिंग इस भरे संसार में तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे प्यार के सहारे मैं अपनी सारी जिंदगी काट सकती हूँ। लड़का बेचारा भोला भाला आ जाता है बातों में, फिर क्या हो जाती है शादी, और शादी के बाद बस यहां तक तो सब ठीक है। जैसे ही हनीमून खत्म हुआ, अजी सुनते हो, प्यार के सहारे जिंदगी नहीं कर सकती, मुझे भूख भी लगती है और मुझे कपड़े भी चाहिए और मुझे जेवर भी चाहिए और मुझे लिपस्टिक भी चाहिए और रूश भी चाहिए और मस्कारा भी चाहिए और मुझे
मैं ये सब चक्कर में नहीं आने वाला मैडम, समझी? कभी कभी सोचती हूँ, पहले दिन जब तुम चाकू लेकर आए थे वो रुपया ही लेकर चले जाते तो अच्छा होता, कम से कम मैं तो बच गई होती। तुम क्या हो? अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। मुझे तो तुम अच्छी भली नजर आती हो। बड़े भोले हो, है ना? रोटी को चोची कहते हो और पानी को मम्मम। मम्मम? तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगता है। एक बात कहो। कहो ना। मम्मम। एक बार फिर कहो। चोर कहेगा। चोर? मैं? दिल की चोरी जानू ना जानू, मैं हूँ कच्चा चोर। चुराया फिर भी चुराया दिल मेरा दिल निकला पक्का चोर। दिल की चोरी जानू ना जानू, मैं हूँ कच्चा चोर। चुराया फिर भी चुराया दिल मेरा दिल निकला सपना चोर। दिल की चोरी जानू ना हो। मैं हूँ पतंग तेरे प्यार की,
चोरी जानू ना जानू ना जानू मैं हूँ कच्चा चोर चुराया फिर भी चुराया दिल मेरा दिल मेरा दिल निकला सच्चा चोर इतने बड़े डायरेक्टर और ड्राइवर तक नहीं मेरी बात मानिए पोपटलाल जी और मुझे ड्राइवर रख लीजिए यार तकलीफ एक बात की रख तो लू मगर जब हम दोनों गाड़ी में बैठेंगे ना तो तू सेठ दिखाई देगा और मैं नौकर और दूसरी तकलीफ ये है कि कड़की जेब है तनख्वाह कहाँ से दूंगा अरे तनख्वाह कौन कमबख्त मांगता है कभी कभार गाड़ी दे देना घूमने फिरने के लिए घूमने फिरने के लिए घूमने फिरने के लिए या किसी को घुमाने के लिए आदमी समझदार मालूम होते हो लगता है गुड़ी ने तुम्हें सबको सिखा दिया है लाओ चाबी दे दो देखता हूँ गाड़ी चलाना याद भी है कि नहीं देखो याद है कि नहीं देखो देखो आती है कि नहीं चाबी चलिए देर में गई बिल्कुल सही गई कब आए ये चली अरे बराबर चलानी आती है अरे अबे गाड़ी ले गया मुझको चला गया बोलते गाड़ी चलनी आती है कि नहीं लड़ी रुक पके तुम यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ बहुत सारी जरूरी बातें करनी है लेकिन ये कौन सा वक्त है कल मिलूंगी वहीं अब तुम जाकर सो जाओ नींद नहीं आती नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी इसलिए तो झट से आकर दरवाजा खोल दिया अच्छा है ना चलो पागल हो गए क्या भैया क्या क्या सवाल पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगी सवालों से डरती हो या अपने जवाब से जवाब से क्यों डरने लगी जवाब तो बड़ा प्यारा होगा तो फिर क्या मुश्किल है जो दिल में आ कह देना तुम्हारे लिए तो आसान बात है लड़के की जात हो ना लड़के की जात बड़ी होशियार होती है शादी से पहले कहेगा जाने मन जाने बहार तुम्हारे बिना न दिन को चैन न रात को आराम जी चाहता है तुम्हें अपनी आंखों में बसा लूं सारी जिंदगी तुम्हारी जुल्फों के साये में गुजार दूं लड़की भोली भाली आगे बातों में फिर क्या हो गई शादी और शादी के बाद हनीमून और फिर हनीमून के बाद साहब बाहर से आए तो बीवी ने प्यार से हाथ भी फेरा तो बिगड़ गए क्या करते हो जी तुम्हें क्या मालूम बिजनेस के चक्कर में मुझे कहां कहां भटकना पड़ता है दिन भर थक के आया हूँ तो 5 मिनट आराम भी नहीं करने देती हाँ ना बाबा ना मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाली हाँ बदला ले रही हूँ नहीं श्याम प्यार में बदला कैसा फिर कुछ नहीं गुड नाइट 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 अरे भाई अगर इसी तरह लगे रहे तो थोड़ी देर के बाद गुड नाइट की जगह गुड मॉर्निंग कहना पड़ेगा अच्छा सुनो तुम क्या कर रहे हो अबे मजनू के बच्चे यही जरूरी काम था जिसके लिए तू मेरी गाड़ी ला लाया था अजी मोहब्बत ना करते बड़ा काम करते मोहब्बत से लेकिन बड़ा काम क्या है क्यों चलेगा लेकिन मेरी गाड़ी की चाबी मुझे दे दे ये नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा कल फिर यही जरूरी काम है ये जरूरी काम है चलेगा मगर पेट्रोल तेरा चलेगा मेरा चलेगा हाँ ठीक है तू चलेगा ठीक है फिर चल गाड़ी में बैठ जाते श्याम की बहादुरी वाकई काबिल तारीफ है तुम्हारे ग्रुप को एक अच्छा साथी मिल गया भैया अब वो ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं समझदार मालूम होता है भैया आप तो मजाक कर रहे हैं वो हमेशा के लिए थोड़े ही ग्रुप में शामिल हुए थे कोई अच्छा काम मिल गया तो छोड़ देंगे कह रहे थे अपने पांव पर खड़ा होना चाहता हूँ भैया एक दिन उन्हें आपसे मिलवाऊंगी आपको बड़ी खुशी होगी जरूर जरूर अच्छा मैं चलता हूँ हेलो आशा जी आज मेरा एग्जाम है कॉलेज पढ़ने में लेट हो गया हूँ मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे नहीं रवि मैं रवि प्लीज प्लीज आज मेरा एग्जाम है अच्छा थैंक यू आशा जी जरा आराम से चलिए मुझे कॉलेज पहुँचना है अस्पताल में नहीं तुम तो जानते हो मैं पहले से जल्दी में थी तुम्हें छोड़ने के बाद मैं कब पहुंचूंगी
कोई इंतजार भी करेगा तो कब तक? देखिए वो सब तो इंतजार करने वाले पर है। चुप। सेठ जी ये पता बता सकते हैं? मेरा बैग लेके भाग गया चोर। गाड़ी रोको। चोर, चोर। क्या हुआ साहब? मेरा बैग लेके भाग गया चोर, पकड़िए ना उसको जल्दी जल्दी। हाँ चलो। इस गाड़ी की तलाशी लो। तलाशी? कैसी तलाशी? अब ये देखिए। यस, यही है वो बैग, पकड़ लो इसे। क्या कह रहे हैं आप? ये बैग तुम्हारे जुर्म का सबूत है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं मालूम कि ये बैग मेरी गाड़ी में कैसे आया। ध्यान यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में देना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये बैग मेरा नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। ले चलो इसे। क्या हुआ भैया? ये नौजवान चोरी के बैग के साथ पकड़ा गया। नहीं नहीं भैया, भैया ये शाम है, शाम ऐसा नहीं कर सकता। मेरे काम में दखल मत दो, ले चलो इसे। चलो भैया। शाम, मुझे साफ साफ बता दो क्या हुआ था। आप कौन है? लो कमाल है, तुम मुजरिमों के सबसे बड़े वकील मिस्टर खन्ना को नहीं जानते? जी नहीं, आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही नहीं पड़ा। लेकिन आज पड़ गया। बट यू डोंट वरी माई सन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन वकील साहब मैं गरीब आदमी हूँ, इतने बड़े वकील की फीस कैसे दूंगा? फीस तो मुझे मिल चुकी है। मिल चुकी है? किसने दी? मिस आशा ने? किसी मिस विश ने नहीं, अरे तुम्हारे पुराने यारों ने, चंदू और नंदू को भूल गए? चंदू और नंदू? अरे जिन्होंने तुम्हें थिएटर भेजा था। हाँ याद है। हाँ बोलो क्या हुआ। मेरी समझ में नहीं आता, पुलिस को मेरी गाड़ी में से चोरी का बैग मिला, वो किसका था और कहां से आया मैं नहीं जानता। किसी को तुमसे दुश्मनी है? बड़े वकील साहब मैं छोटा सा आदमी हूँ, भला मुझसे दुश्मनी करके किसी को क्या मिलेगा? खैर देखा जाएगा। हेलो इंस्पेक्टर, शाम का केस मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, जमाने भर का बदनाम वकील खन्ना शाम की वकालत करेगा? भैया तुम्हें जरूर धोखा हुआ है, ये किसी की शरारत है। कैसी बातें करती हो, तुम समझती हो मुजरिम सुधार सभा मुजरिमों को सुधार सकती है? हरगिज नहीं, कानून का डंडा ही मुजरिमों को सुधार सकता है। और शाम मुजरिमों की टोली का आदमी है, वरना उसका मुकदमा लड़ने के लिए खन्ना खड़ा ना होता। खन्ना हमेशा गुंडों के मुकदमे लड़ता है। खन्ना? उसका वकील खन्ना है? मैं फिर कहता हूँ कि मुजरिम बेगुनाह है। दैट्स ऑल सर। सर पुलिस की तहकीकात से यह साबित हो गया है कि वाकई के दिन जो कार मुलजिम ड्राइव कर रहा था और जिसमें चोरी का वो बैग मिला, वो मुजरिम सुधार सभा के डायरेक्टर वो बिटनाइट। इस क्लू पे काम करते हुए और सब इंस्पेक्टर प्रेम कपूर के बयान के मुताबिक मुलजिम मुजरिम सुधार सभा में काम करता था। उससे पहले वो क्या था
इस पर रोशनी डालने के लिए मुझे उस सभा की इंचार्ज मिस आशा की गवाही चाहिए। मिस आशा को पेश किया जाए। मिस आशा, आप गीता पर हाथ रखे कहिए कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस आशा, मुलजिम से आपकी पहली मुलाकात कब, कहां और कैसे हुई? आज से करीबन 6 महीने पहले वो मेरे ग्रीन रूम में मुझसे मिले थे। आप अकेली थी? जी। वक्त क्या होगा? रात के करीबन 9 बजे होंगे। आप क्या कर रही थी? मैं शो के पैसे गिन रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था या खुला? बंद था। मुलजिम ने दस्तक दी और आपने दरवाजा खोला? जी नहीं। तो क्या मुलजिम आपके आने से पहले कमरे में मौजूद था? जी नहीं। तो फिर वो अंदर कैसे आया? मुलजिम कोई जादूगर था जो भूत जो बंद दरवाजे से अंदर चला? ऑर्डर ऑर्डर। मिस आशा, ऐसा मालूम होता है कि मुजरिम सुधार सभा में इकट्ठे काम करते हुए शायद आपके दिल में मुलजिम के लिए कुछ जगह पैदा होगी और इसलिए आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। आई ऑब्जेक्ट टू इट सर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब मिस आशा के बारे में पर्सनल रिमार्क्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस आशा, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। आप रुपए गिन रही थी और मुलजिम ने आपको रिवॉल्वर दिखाया? नहीं नहीं, उनके पास रिवॉल्वर नहीं था। तो क्या था? बम था, बंदूक थी, खंजर था? गुड, चाकू था। आप ये भी बता दीजिए कि मुलजिम अंदर कैसे आया? खिड़की से। खिड़की से? हाँ सर, ये पॉइंट नोट किया है। मुलजिम खिड़की से अंदर आया चाकू के साथ। लेकिन वो मुजरिम नहीं थे, किसी के बहकाने पर आए थे। वो बेकार थे, भूखे थे। भूखे और बेकार ही मुजरिम बनते हैं। सर, मामला साफ है। मुलजिम एक आदि मुजरिम है जो रुपया लूटने गया था। एक खूबसूरत लड़की की अपील पर इसने कुछ अरसे के लिए अपनी कार्रवाई बंद कर दी, मगर आदत मुश्किल से किया। इसकी आदि शराफत, भेड़िए का नकाफ क्यों तो, और मौका पाते ही इसने फिर अपनी कार्रवाई शुरू। सर, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तुम्हें अपने सफाई में क्या कहना है? गुनहगार को बेगुनाह साबित करना आसान है, लेकिन बेगुनाह को बेगुनाह साबित करना आसान नहीं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। क्या हुआ भैया? श्याम को 1 साल की सजा हो गई। जो कुछ तुम कहना चाहती थी तुम कह चुकी हो। शाम, मुझे समझने की कोशिश करो। उस दिन मुझसे ऐसे से सवाल किए गए थे कि मैं अपने आप ही में न रही। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश न करो आशा। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँचाने में तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। क्या बात है? कुछ नहीं यार, आज तक बेवफाई का लफ्ज सुना था, आज उसकी तस्वीर दिखी। जरूर कोई लड़की होगी। हाँ। औरत, तेरा दूसरा नाम बेवफाई है। दोस्त, मुझे मुजरिम बनाने में एक लड़की का हाथ है। मैं उसे दीवानों की तरह प्यार करता था। क्या क्या नहीं किया मैंने उसकी खुशी के लिए। फिर मेरी नौकरी जाती थी, तब उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने मुझसे ऐसे आंखें फेर ली जैसे मुझे जानती नहीं, शायद मुझसे मार डालता। मैंने सोचा एक बेवफा लड़की के लिए अपनी जान देने से क्या हासिल। दोस्त, करीब से कोई प्यार नहीं करता, कोई किसी से प्यार नहीं करता। दौलत, सिर्फ दौलत, इसके सवाब कुछ नहीं। दौलत। मिस्टर पोपटलाल, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता है। मैं नाटक में काम नहीं कर सकूंगी। लेकिन
लेकिन क्या क्या तुम चाहते हो जेल से निकलकर बेकारी और गरीबी की ठोकरें खाओ और फिर कोई आशा तुम्हें धोखा देकर यहाँ पहुंचा दे। दोस्त बेवकूफ मेहनत करते हैं और अकलमंद उनकी मेहनत का फल खाते हैं। आज की दुनिया में दिल की सफाई से हाथ की सफाई की ज्यादा कीमत है और इसका रास्ता मैं बताऊंगा। हाथ मिलाओ दोस्त। पीड़ित जनता की सहायता में जो आपने योगदान दिया है वो सचमुच ही बड़ा सराहनीय है। पंडित जी आप तो मेरी खमखा तारीफ करके मुझे कांटों में घसीट रहे हैं। मैं किस काबिल हूँ? हीरा अपने आप को नहीं जानता, हमसे पूछिए। हमने निश्चय कर लिया है कि अब की जनसेवा समिति में आपको ही प्रेसिडेंट बना। जी हाँ, एक्सक्यूज मी। देखिए पंडित जी, मैं तो जनता का सेवक हूँ, मुझे सेवक ही रहने दीजिए। आपके कितने उच्च और भारतीय विचार। धन्य हो, धन्य हो। अच्छा अब आ गया दीजिए। अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग जी। क्या क्या रूप है तुम्हारे? मोना डार्लिंग, ये सब तो मैंने तुम्ही से सिखाया है। मुझसे? हाँ। अब देखो ना, तुम खुद नाच कर सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा लेती हो, मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूँ। स्वीटहार्ट डार्लिंग, एक्सक्यूज मी। नो प्लीज। चलो चीफ, ये है वो नौजवान शाम जिसके बारे में आपसे बात की थी। गुड। रॉबर्ट, हमारे नए दोस्त से मिलो। कहा था कि नए पंछी में कुछ दम है या नहीं। अब हमारा मेंबर बनने के लिए तुम्हें कोई कारनामा दिखाना होगा। कारनामे बाजुओं से दिखाए जाते हैं, जबान से नहीं। बलदेव तुम दोनों। किसी की इज्जत नहीं समझे।
ये भी चलो। अब मैं कच्चा चोर नहीं हूं क्या? वो तुम्हारा आदमी बिल्कुल गिरा हुआ है, गया था माल लूटने और पड़ गया लड़की के पीछे। एक ही मिनट, मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर को लूटा है। शाबाश श्याम, तुमने आज हिम्मत दिखाई और एक लड़की की इज्जत बचाई। आज से तुम हमारे मेंबर हो। थैंक यू। लेकिन एक बात याद रखना श्याम, वफादारी का मतलब है नई जिंदगी और बेवफाई का मतलब है मौत। अरे लेकिन भाग क्यों रही है? एक बार फिर सोच ले, नौकरी करनी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है, तुम मुझे किसी एक्टर से बात भी करना नहीं देते। अरे? एक भी रोल नहीं मिलता मुझे, नहीं तो अब तक मैं हीरोइन बन गई होती। अरे अरे अरे, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ और तुझे काम करने से रोक रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी दोस्ती में मैं तो लूट गई। अरे हम तुम तो क्या है, आजकल तो ऐसी लूट मची है कि पुलिस वाले भी लूटे जा रहे हैं। हूँ क्या मैं? सच कह रहा हूँ भाई। पुलिस है जी? आई मीन कि वो टेलीफोन ऑपरेटर की छोकरी खाली है, मेरा मतलब यह है कि वो नौकरी खाली है। आप उधर जाइए। हाँ उधर उधर। आई लव ब्यूटीफुल, आपने मुझे पहचाना? जी जी नहीं। तो हॉररफुल, आपने मुझे पहचाना? ये नहीं, आप मुझे पहचाने? ऐसे नहीं पहचानेंगे। आप इधर आइए। मेम साहब बात करना चाहते हैं। जलता है भी मुक्का। तू यहाँ कैसे? अरे मेरे रामपुर के लक्ष्मण, तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम करता है। काम? कैसा काम? मेरा काम तुम नहीं समझ सकोगे। क्यों 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 क्यों? क्या मतलब? ज्यादा खाने वालों से लुकमा छीन कर भूखों को देता हूँ। मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं। तू यहाँ क्या कर? अरे यार, गुड्डी यार टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी के लिए आई है। क्यों, थिएटर बंद हो गया क्या? हाँ यार, घोटाला हो गया। जब से आशा ने आना बंद कर दिया, सब चौपट हो गया। तूने सुना नहीं, आशा के घर में चोरी हो गई? मैंने कुछ नहीं सुना। अरे, इसने कुछ नहीं सुना? देखो बलदेव, क्या बात है? यार मैनेजर साहब से कहना कि गुड्डी को नौकरी दे दे। कहना कि मैंने कहा। ओके ओके, पपड़ा इनके साथ चले जाओ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आइए आइए। तुमने हमारे घर में भी चोरी की थी, तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। नहीं नहीं सर, मैंने चोरी नहीं की, मुझे छोड़ दो। आप लोग हमेशा गड़बड़ करते हो। कैसी गड़बड़? पिछले वर्ष बैंक से स्टेट का बैंक मैंने चुराया था, चुरा के कार में डाला था, आपने उस कार वाले को पकड़ लिया था। क्या? तुम सच कह रहे हो? यार साहब, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई आशा। आज एक मुजरिम ने इकबाल किया है कि पिछले बरस शाम की कार में रुपयों की थैली उसने फेंकी थी। सच भैया? हाँ आशा, हमने किसी के गुनाह की सजा बेगुनाह को दे दी। कानून एक गुनाह के लिए दो आदमियों को सजा नहीं दे सकता। बेगुनाह शाम सजा काट कर आया है और अब असली मुजरिम पकड़ा गया। मैंने उसी वक्त आपसे कहा था, शाम बेगुनाह है, गुनाहगार तो हम है। मुजरिम सुधार सभा मुजरिमों को सुधारती है, हमने एक बेगुनाह को मुजरिम बना दिया। क्या मतलब? आप नहीं समझेंगे, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। अरे ये क्या? अरे आशा देवी, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये क्या हो रहा है? चूहे पकड़ रहा था। अरे हाँ, देखिए ना, मैं रात रात भर जागकर सिंगल चाय पीकर डबल डबल कहानी लिखता हूँ जनता के लिए, ताकि उनको आनंद मिले। लेकिन ये साले चूहे उसको कुटरो 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 खा जाते हैं। आपकी कहानियां बहुत मीठी होंगी। थैंक यू, तब तो खाने दो, खाओ खाओ खाओ। अच्छा हाँ आशा दीदी, वो आपके घर में चोरी हो गई थी ना, उसको कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। अरे मिस्टर पोपटलाल, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है, किसी तरह भी पता लगाइए आजकल शाम कहाँ है। अरे मुझसे तो परसों ही मिला था, तुमसे नहीं मिला वो? आजकल वो सोशल सेवा कर रहा है। मतलब तो मेरी समझ में नहीं आया। कह रहा था कि जो ज्यादा खाने वाले हैं उनसे निवाला छीन के मैं भूखों को दे रहा हूँ।
आपको कहाँ मिले थे वो? एम्पायर होटल में। एम्पायर होटल? हाँ, वो अपनी गुड्डी थी ना, वो भी वहीं काम कर रही है, टेलीफोन ऑपरेटर। आशा गुड्डी, शाम मैंने बहुत कोशिश की मगर लगता है शाम तुमसे मिलना नहीं चाहता। प्लीज मेरा से मिलना बहुत जरूरी है गुड्डी। मैंने बहुत कहा मगर मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो तुम्हारा नाम भी सुनने को तैयार नहीं। क्यों सुनेगा वो मेरा नाम? आज भी जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़ा है उसे वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी भी तो है। आशा मैं होटल में जब सुनती हूँ और देखती हूँ मुझे तो शक है कि शाम गलत रास्ते पर है। तुम्हें तो सिर्फ शक है, मुझे पूरा यकीन है, इसलिए इसलिए उससे मिलना और ज्यादा जरूरी हो गया है। मेरी मानो तो जिद छोड़ दो, घर वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। उसे वापस लाने के बजाय वापस चली जाओ। सोहरा कमाल क्यों भाई पगला गया क्या, अकेले ही खड़ा हंस रहा है? नहीं यार, अपनी मोना है ना, वो नई डांसर की तस्वीर देख के जली गई। क्या हुआ यार? इस लड़की को पहले मैंने कहीं देखा है। पागल हो गए यार, ये तो कल ही भैरू से आई है, लेकिन यार चीज खूब है। बलदेव याद है आशा? अरे वही इंस्पेक्टर की बहन जो सो रही थी, वही आंखें, वही गाल, वही होंठ। कमाल है यार। कमाल नहीं, सोहरा कमाल है।
विश्वास ही नहीं होता इतना अच्छा डांस किया तूने। मैं तो घबरा गई थी अगर कहीं कोई पहचान जा तो, लेकिन रेली तूने तो छुट्टी कर दी। गजब कर दिया तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम सिफारिश करती और ना ही मुझे यहाँ डांसर का चांस मिला। अरे प्यार करने वालों की सारी दुनिया मदद करती है। अच्छा सुनो, शाम के सामने मुझसे मत मिलना, उसे शक हो जाएगा। हाँ जी। शाम मुबारक हो, मुबारक। वाह वाह, कमाल कर दिया तुमने। ओके बाय बाय। शुक्रिया। आपने तो कमाल कर दिया, नाम भी कमाल और नाच भी कमाल। वल्ला, आप मेरी इजाजत के बगैर अंदर कैसे आ गए? दस्तक दी होती, कार्ड भेजा होता, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? और आपको शायद मालूम नहीं कि यहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डांस करने का है। बॉस भी मेरी इजाजत के बगैर मुझसे नहीं मिल सकते। यू गो आउट। खुदा हाफिज। गुडी जी, आप कैसे? फर्स्ट क्लास यार। ये जरा कमाल है, बड़ी कमाल की चीज, लेकिन है जरा मजरूर सी। जी हाँ, इससे बात करते हैं तो मालिक भी डरता है। एक बात बता, इसकी शक्ल तुम्हारी सहेली आशा से नहीं मिलती? इश्क में ऐसा ही होता है, आपको हर लड़की आशा ही नजर आती है। मगर हजूर, जोहरा तो अरब की मशहूर डांसर है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी उर्दू बोलती है। इस बात को तो मैं नहीं जानती, मगर अभी अभी सुनने में आया था कि उसकी माँ अरब की है और बाप हिंदुस्तानी। बाप हिंदुस्तान जी। तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि आशा कभी तक कभी अरेबिया नहीं गए थे? क्या मतलब? पीछे पीछे पीछे। आशा, अरे क्या हुआ? मुबारक हो मेरी जान। अरे श्याम साहब तशरीफ लाए थे, मछली की तरह तड़पते हुए। मेरी जान, शोला तो तुमने भड़का दिया, अब आग लगने में ज्यादा देर नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर आप अंदर कैसे आए? तुमसे कुछ कहने। क्या? मर्द भी अजीब जानवर है, जो उसे मोहब्बत करे उसे ठुकराता है, और जो ठुकराए उसे मोहब्बत करता है। शाम, मुझ में क्या कमी है? भगवान ने एक चीज बनाई है, औरत की इज्जत, वो तुम्हारे पास नहीं है। एक गुनाहगार मुझे नसीहत दे रहा है। मैंने तो सोचा था जोड़ी अच्छी रहेगी। खैर, शाम बॉस ने बुलाया है। आता हूँ। यस यस। शाम, कल के ऑपरेशन के लिए तैयार हो? जी हाँ। इस बार तुम्हारे बाजों की ताकत का नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग का इम्तिहान है। जानता हूँ, जब हिम्मत बाजू उठाती है दिमाग में रोशनी खुद ब खुद आ जाती है। वेरी गुड श्याम, लेकिन इस बार संभल के, राम नारायण जौहरी बहुत होशियार आदमी है। सेठ जी, नूरपुर की राजकुमारी अंबिका देवी तशरीफ लाई हैं। नूरपुर की राजकुमारी?
गुड गुड वेलकम वेलकम इट्स और ग्रेट लक ये हमारी खुशनसीबी है कि राजकुमारी साहबा यहाँ तशरीफ लाई हैं आइए आइए एनी सर्विस योर हाइनेस ये कुछ है दिस वन ये भी एंड दिस वन इन सब की क्या कीमत है डेढ़ लाख है एक लाख दस हजार दैट मीन्स 5,10,000 योर हाइनेस मिस्टर दर्शन इन्हें रुपए दे दो जी सरकार कैश मीमो चाहिए योर हाइनेस इट्स ओके उसकी जरूरत नहीं मिस रीता जल्दी से पैक कर दो ये दुकान आपकी है थैंक यू इस गुलाम की इज्जत अफजाई किया कीजिए डेफिनेटली मैं भूल ही गया कोका कोला नो थैंक यू थैंक यू जय लक्ष्मी माता तेरी सदाई जय जय लक्ष्मी माता आप हैं प्रिंस बहादुर ऑफ रंजीत नगर आज का तो दिन कमाल है वेलकम हाउ कैन आई सर्व योर एग्जाल्टेड हाइनेस हमारे राजकुमार बहादुर की शादी राजकुमारी और झूरी तलेस हो रही है दुल्हन के लिए कुछ आलीशान डायमंड सब दिखाइए ओह नो 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 मुझे कुछ समथिंग ग्रैंड फैबुलस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कुछ ऐसा सेट दिखाइए जानते मैं किसे देना चाहता हूँ जी जानता हूँ आई विल शो यू वर्ल्ड मोस्ट ब्रिलियंट डायमंड सेट कम ऑन दैट वे ओह दिस इज ब्यूटीफुल गुड वेरी नाइस ओह ये भी बुरा नहीं ब्यूटीफुल ये भी वंडरफुल कीमत रुपीज 5 lakhs ओनली यू आर एक्साल्टेड हाइनेस 5 lakhs यस टेक इट रियली व्हाट डू यू मीन रिचर्ड बर्टन को जानते हो फेमस हॉलीवुड स्टार आई नो हिम यू राइट अगर वो एलिजाबेथ टेलर के लिए 85 lakh के हीरे खरीद सकता है तो क्या हम अपनी माशू के लिए 5 lakh के हीरे नहीं खरीद सकते वेल सेड सर आप तो आशिकों के आशिक ठहरे थैंक यू तोताराम जल्दी पैक कर दो वेरी स्मूथली स्मूथली यस ले लीजिए थैंक यू योर हाइनेस पेमेंट रुपया व्हाट इज दिस आपने कुछ नशा तो नहीं किया है? अभी तो आपको 5 lakh rupees दिए 5 lakh किसको शायद ओ शट अप आप मजाक कर रहे हैं योर एक्साल्टेड हाइनेस मुझे मजाक पसंद नहीं इडियट कम ऑन गोरखा गोरखा जाने न पाए ये मेरे 5 lakh के हीरे ले जा रहे हैं पकड़ लो पुलिस 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 अच्छा वो इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब ना जाने मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देखा था ये महाराजा लोग मेरे पल्ले पड़ गए हैं इन्होंने अभी अभी मुझसे 5 lakh के डायमंड लिए हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं सर ये सब क्या हो रहा है सर है इंस्पेक्टर साहब हमने इन्हें 5 lakh कैश दिए हैं बिल्कुल यही नोटो के नंबर नोटों का नंबर शेखर है ना जरा चेक करो चलो शीघ्रम शीघ्रम अपने जरा बिल बताओ ओ आई मीन वो रसीद पर्चा ओ रसीद साहब नोटों के नंबर तो बिल्कुल वही है उफ नहीं है अब मैं समझा ठीक है कुमार साहब आप जा सकते हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट थैंक यू इंस्पेक्टर शंभुलिंगम जयमवंतम थैंक यू अब मैं समझा है तुम ब्लैक मनी लेता है ब्लैक मनी लेता है कानून को धोखा देता है कानून को धोखा देता है चंद्रशेखर चलो नोटों पर कब्जा करो चलो नहीं अभी हम लेके जाता है साथ में अभी लेके जाता है एक मिनट मतलब मेरा ये है दो नंबर का और पैसा देता है बहुत अच्छा आदमी है बहुत अच्छा आदमी लोगों की सेवा में काम आएंगे 4 बजे क्लब में मिलना मेरा मतलब है क्लब हाउस रोड पर जो पुलिस चौकी है ना वहां मिलना क्लब हाउस अच्छा जी अच्छा ओ क्लब हाउस पुलिस स्टेशन ओ क्लब रोड पर तो पुलिस स्टेशन ही नहीं है मैं मर गया मैं लूट गया रंजीत महाराज लूट लिया लेकिन मैं आज शाम को मुंह मांगा इनाम दूंगा शाम तुम जो चाहो ले लो बहुत बहुत शुक्रिया
आपने एक अजनबी पर भरोसा किया, मेरे लिए यही बहुत है। यहाँ तो सब अजनबी हैं शाम, रिश्तेदारी तो सिर्फ काम की है, जिसका बड़ा काम बड़ा दाम बड़ा नाम। आज जो चाहो मांग लो। मांगूंगा, लेकिन अभी नहीं, किसी मुनासिब वक्त पर। मांग लो ना, मालिक का ये मूड बार बार आया नहीं करता। देखो शाम, आज तुम जो चाहो मांग लो, एवरीथिंग इज योर्स, कम ऑन। जी, आपके पास एक हीरा है जो इन सबसे ज्यादा कीमती है। आई सी, तुम्हारा मतलब जोरा कमाल से है। देखो शाम, जोरा कमाल के साथ मेरा एग्रीमेंट सिर्फ डांस का है, रोमांस का नहीं। हाँ, अगर तुम उसका दिल जीत सकते तो जीत लो, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या मना? देखो, देख रहा हूं। पकड़ो ना। कैसे पकड़ूं? अरे मेरा हाथ पकड़ो। But before I go, I must inform you, my paparina bambina, Zohorina Kamalina, that I love you. I admire you like anything, my goddess. I puja you. In short, I must tell you that I like to kiss you. But Zoom Zoom, this is India. India then what? Oh yes, this is India. Yes. But India is also a loving country. Brave country. Yes, Zim Zim. But, you know, kissing is something very private. Oh. You know? Oh, India, when will you progress? Okay. कौन है आदमी? फ्रांस में इनका थिएटर्स का चेन है, हमने इन्हें खास दावत दी है। हमें तो आपने आम दावत भी नहीं दी। हम सिर्फ शरीफ आदमियों से ताल्लुक रखते हैं मल्ला। आप क्या हैं? हमें खूब मालूम है, तस्लीमात अर्ज है। शाम, बॉस ने याद किया है। आता हूँ। यह है ग्रीन बैंक। कल पहली तारीख है, इरला इंडस्ट्रीज की गाड़ी अपने वर्करों के तनख्वाह के 10 लाख रुपए लेकर फैक्ट्री के लिए रवाना होगी। यहाँ सब आबादी है और यह है जंगल। यही हमारा चांस है, क्योंकि यहाँ से 5 मील तक कोई पुलिस चौकी नहीं है। लेकिन शाम, उस गाड़ी में 2 गार्ड रहते हैं जिनका निशाना कभी नहीं चूकता। यही तो देखना है मेरे दोस्त, कि किसका निशाना चूकता है और किसका निशाना नहीं चूकता। वेरी गुड माय बॉय, गुड लक टू यू। शिलो
चलो चलो जाने दो। बस रुको, कम ऑन। Okay, down it out. Wait, wait, go up. Save the power. Save the power. Come on, my boob in my chip. In a hospital, let's go. Hey, Dikra, look at it. Marija, the conjugate, Marija, जल्दी जो माफ करना है सर जी। ठीक है जाओ जाने जाओ। हम इसमें कितना माल होगा? इसमें इतना कि जो तुम गिर भी ना सको। और हमें क्या मिलेगा? जो चीफ अपनी खुशी से दे दे। यानी बचे खुचे टुकड़े। शाम, मैं तो कहता हूं उसको यहीं से लेकर गोल हो जाए और आपस में आधा आधा बांटने के बाद बहुत दूर चले जाए, जहां चीफ तो क्या उसके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। रॉन्ग नंबर मिस्टर, रॉन्ग नंबर। मैंने जिंदगी में सब Again, wrong number, mister. Wrong number. इस खिलौने के मुंह से मौत भी निकलती है शाम। बड़ी मेहरबानी सदाजी, तुसी मेरी जान बचाई है। अब बादशाह च मेहरबानी की कड़ी गल है? असी ते वफादारा दे खादम आ खादम और गद्दारा दे दुश्मन। आप? हाँ शाम, हमारे धंधे में बहुत होशियार रहना पड़ता है। शाबाश। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस ज़ोहरा, आज आपका खास डांस होगा। किस खुशी में? आज बॉस ने मुझे नंबर 2 बना दिया है। तो आज डांस होगा आपके गिरने की खुशी में? ज़ोहरा, आप जिसे बनना समझते हैं वो मेरी नजर में बिगड़ना है। उस दिन भी तुमने मुझे ताना दिया था कि मैं शरीफ नहीं, लेकिन मिस ज़ोहरा तुम भूलती हो कि तुम भी तो यही काम कर रही हो। मैंने अपना फन बेचा है, आपकी तरह अपनी रूह नहीं बेची। मिस ज़ोहरा, आप जानती हैं मैं आपकी सारी बातें क्यों बर्दाश्त करता हूं? क्योंकि आपकी सूरत उस लड़की से मिलती है जिससे मैंने बहुत प्यार किया था। आज राज खुला। आप हमारे दीवाने इसलिए बने हुए हैं कि हमारी सूरत आपकी वगैरह वगैरह से मिलती जुलती है, यानी असल न सही नकल ही सही। लेकिन हजरत, गुस्ताखी माफ, आपने कभी गरेबान में मुंह डालकर देखा है कि आप क्या है? क्या दुनिया की कोई भी औरत आप जैसे चोर लुटेरे लफंगे खूनी वगैरह वगैरह से मोहब्बत कर सकती है? हरगिज नहीं। खुदा हाफिज। शाम, तुम क्या सोच रहे हो? यार सोच रहा हूँ ज़ोहरा और आशा कहीं एक तो नहीं। ये तो भी पता लग सकता है। आशा के घर में फोन करो। नहीं यार, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। अरे आवाज बदल कर बात करो यार, तुम तो अच्छे एक्टर हो। नहीं यार। अरे ट्राई तो करो यार, सब हो जाएगा। कम ऑन कम ऑन। ट्राई करता हूँ। हेलो। हेलो गुड्डी, जरा आशा के घर का नंबर लगाना। आशा का नंबर? और दे, उसे कहना नहीं कि मैं बोल रहा हूं। जी अभी देती हूं। आशा? अरे शाम तुमसे बात करना चाहता है। अभी देती हूं। तुम उसे बात करना है? हेलो आशा जी,
जी मैं आशा बोल रही हूँ। हम आपका प्रोग्राम रखना चाहते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं लाल लालू अडवाणी फ्रॉम नैरोबी। हम आपका डांस प्रोग्राम रखना चाहते हैं। लाल जी इस वक्त मैं बिजी हूँ, आप अगले हफ्ते फोन करके मुझसे मिल लीजिएगा। चंगो बाला, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। क्यों कुछ जमा नहीं यार, मैं गलती पे था। जोहरा और आशा अलग अलग हैं। ओह फॉरगेट इट, लेट्स ड्रिंक, कम ऑन चीयर्स। हाँ चीयर्स। अरे पोपटलाल, क्या आजकल तुम्हारा कोई ड्रामा वामा नहीं चल रहा? अजी साहब क्यों नहीं चल रहा है, जरूर चल रहा है, लेकिन थिएटर के स्टेज पे नहीं, जिंदगी के स्टेज पर। और सामने ने थोड़ा सा रोल अपना भी है। चलेगा? जरूर चलेगा। चले दीजिए, बाय बाय। अजी टाटा। कौन आएगा? कौन आएगा? बजाते रहो। आशा भैया इस वक्त कहां से आ रही है? भैया मैं वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसे हमारे खानदान के नाम पर आ जाए। आशा मैंने माता पिता को वचन दिया था कि मैं हर हाल में तुम्हारी खुशी का ख्याल रखूंगा। मुझे दुख है कि तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं तुम्हारी मुश्किलों में साथ दे सकूं। भैया आज की लड़की अपनी मुश्किलों से खुद लड़ना चाहती है, और फिर जरूरत पड़ने पर आप तो मेरा साथ देंगे ही। यस गुड इवनिंग। फरमाइए। आज मैं बस से दरख्वास्त करने वाला हूँ कि वो आपका हाथ मेरे हाथ में दे दें। मैंने कुछ अरसे के लिए अपना फन बेचा है, अपनी जिंदगी नहीं। औरत का दिल एक रियासत है, उसे जीता जाता है, छीना नहीं जाता। हम तो बताइए आपका दिल जीतने की क्या शर्तें हैं? आप इस गुनाहों की जिंदगी से तौबा कर लीजिए, फिर हम आपकी दरख्वास्त पर गौर करेंगे। मैं आपका मतलब समझ गया। हो सकता है मेरी जिंदगी की मंजिल आप ही बन जाए।
क्या है? सुनना चाहो तो सुन लो, बात तुम्हारी मतलब की है। क्या है? बॉस, पक्की खबर है, सिंगापुर वाले हीरे कल सुबह सोहनलाल की तिजोरी से निकालकर किसी दूसरी जगह पहुंचा दी जाएंगे। आज की रात तो है, रात बहुत लंबी और काली होती है। आशा जी, आप माफ कीजिए, अब बनने की जरूरत नहीं मैम साहब, नाटक खत्म हो चुका है। नाटक? जी हाँ, नाटक। तुमने स्टेज पे काम करते करते जिंदगी को भी नाटक समझ लिया है। मुजरिम सुधार सभा नाटक, शाम से प्यार नाटक, जोहरा कमाल नाटक, यहां तक कि माँ बाप की इज्जत और शराफत भी नाटक। शाम दार जो शाम का नाम लिया था, शाम तो उसी रोज मर गया जिस दिन गवाही देके तुमने उसे जेल भिजवा दिया था। ऐसा मत कहो। क्यों, कोई कसर बाकी है क्या? जेल भिजवाने के बाद आप कहां भिजवाओगी? जहन्नम में। जहन्नम का रास्ता तुमने खुद ही चुन लिया है शाम। और तुमने होटल के अंदर अपने जवान बदन की नमाइश करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हो। शर्म ने तुम्हारे कदम नहीं रोके, शराफत ने तुम्हारा दामन नहीं पकड़ा। बोलो, चुप क्यों हो? बोलो। प्यार का नाटक कामयाब नहीं हुआ तो वेश्या बनकर नाचने लगी। ये तुम पूछ रहे हो? तुम मांग रहे हो, कभी जिंदगी मांग कर देखो। मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे इस दुनिया में तुम्हारे प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज ही तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, इस गुनाहों की दुनिया से दूर, बहुत दूर। श्याम, श्याम। मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे इस दुनिया में तुम्हारे प्यार के सिवा और मैं आज ही तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, इस गुनाहों की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हैरान होने की जरूरत नहीं शाम, मेरी भी एक छोटी सी रियासत है। इस रियासत में कब कहां और क्या होता है मुझे एक एक घड़ी की खबर रहती है। शाम, औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लेकिन तुम इश्क के बुखार में यह भी भूल गए कि मेरी रियासत में आने का दरवाजा तो है, जाने का नहीं। शाम, मैंने तुम्हें उस वक्त आसरा दिया था जिस वक्त तुम जेल के दरवाजे से निकल रहे थे और भूख के अंधेरों की तरफ बढ़ रहे थे। मैं जानता हूं तुमने मुझे सहारा दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारे हर एहसान की कीमत चुका दी है और वो भी ब्याज के साथ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पुलिस को मेरे राज बताकर मेरी जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद कर दो। विश्वासघात करना तो मैंने नहीं सीखा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं अपनी जिंदगी का मालिक मैं खुद हूं। अगर यह गुनाह की जिंदगी मैं छोड़ना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। शाम, ऐसा करना तो दूर, जिन लोगों ने ऐसा सोचा भी
वो दूसरी सांस नहीं ले सके। श्याम। ए, मैं तुम्हारे दिल की तड़प अच्छी तरह समझता हूँ, मगर अब तो तुम्हें सिर्फ गुड बाय ही कहना है, वो तो तुम दूर से भी कह सकते हो, ऐसे या फिर ऐसे। हाँ, नजदीक जाने की इजाजत भी दे सकता हूँ, मगर तुम्हारी आदतें कुछ खराब है, सबके सामने जोरा कमाल कहीं शर्मा न जाए। मौत के साए में खड़े होकर भी वही दबदबा। लेकिन शाम, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि भरी जवानी में मौत बड़ी मुश्किल से आती है, धीरे धीरे तड़प तड़प कर। तुम मुझे मौत से डराते हो? मौत तो एक खिलौना है जिससे मर्द खेलते हैं। बापा क्या बात कही है। लेकिन मिस्टर श्याम, मेरे पास कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो ऊपर जाने के लिए मौत से भी ज्यादा भयानक होते हैं। से बंदो। से खेलने वाले मर्द पहले ही झटके में सो गए। बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा था। बॉस, टाइम निकलता जा रहा है, ऐसा ना हो वो लोग माल कहीं और ट्रांसफर कर दें। आओ मोनालाल, अब मैं दोनों तुम्हारे हवाले किए जाता हूं, एक ये जिंदा लाश और दूसरी ये भरपूर जवानी, इनका ख्याल रखना। तुम भी औरत हो, तुम्हारे सीने में भी औरत का दिल है, ममता और प्यार से भरा हुआ। मैंने कभी तुम्हारी आंखों में भी शाम के प्यार की झलक देखी है। तुम्हें उन्हीं घड़ियों की कसम, उसी प्यार की कसम, शाम को बचा लो। अगर मारना ही है तो मुझे मार डालो, उस राक्षस के खून की प्यास भी बुझ जाएगी और तुम्हारे रास्ते का कांटा भी हट जाएगा। अगर शाम की जिंदगी बचा लो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। शाम के बिना मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मौत चाहिए, सिर्फ मौत। फासला बहुत कम है, घबराओ नहीं, मैं अभी इंजेक्शन लाती हूं। आशा,
देखो तुम लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तुम्हें छोड़कर? नहीं नहीं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। चलो जल्दी छुप जाओ। पीछा करो। जल्दी चलो। फिर से जाग उठा और गद्दार, तू तो अच्छी तरह से जानती है कि मेरे साथ विश्वासघात करने वालों की एक ही सजा होती है और वो होती है मोना। मोना इस बेचारी को क्यों मार दिया? मुझे मार डालते तो तुम समझते हो कि तुम बच जाओगे? क्यों नहीं, मैं विश्वासघातक तो नहीं। उस दिन की डकैती में तुमने अपनी आंखों से खुद देख लिया था। मेरा तो कसूर सिर्फ इतना है कि मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। खूब, बहुत खूब। लेकिन मौत से खेलने वाले मर्द का ये सुर कैसे बदल गया? कहां गई वो अकड़? मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है। हमें जाने दो, मैं आशा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम्हारा हर एक राज मेरे दिल में एक अमानत बनकर रहेगा। हमें जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। हमें जाने दो, अब हम दोनों बराबर हैं। श्याम, मेरी बराबरी करने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा।
आदमी पकड़े जा चुके हैं। चारों तरफ पुलिस का घेरा है। बेहतर यही है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। फेंक दो ये पिस्तौल। इंस्पेक्टर, जोरा कमाल सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। जोरा कमाल तुम्हारी बहन आशा है। चलाओ गोली और खत्म कर दो मुझे। लेकिन इतना याद रखना, मुझसे पहले तुम्हारी बहन आशा खत्म हो जाएगी। चलाओ गोली। श्याम, पुलिस तुम्हें मुझसे दूर ले जा सकती है, लेकिन मेरे दिल से नहीं। सच? तो आप हैं मिस्टर श्याम? जी। मिस्टर श्याम, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने मुजरिमों के उस खतरनाक ग्रोह को खत्म करने में पुलिस की बहुत मदद की है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तुम खुद भी उन्हीं के साथी थे, उनके जुर्मों में बराबर के हिस्सेदार थे। कानून यूं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, मगर हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। गुड लक। थैंक यू सर। आशा, मुझे जाना होगा। कब लौटूंगा कह नहीं सकता। इंतजार कर सकोगी? इंतजार 7 जन्म तक तो कर लूंगी, उसके बाद थक गए तो कह नहीं सकते। ये